पिछले 1 घंटे से मैं दुकान ढूंढ रहा हूँ कि कोई दुकान मिले और मैं अपने ब्रेक ठीक करा लूँ, लेकिन मॉर्निंग की वजह से अभी तक कोई दुकान खुली नहीं मिली मेरे को। टाइम हो गया है 9:25। ये नारकंडा की गलियाँ, अभी नारकंडा से मैं निकल रहा हूँ। नारकंडा से प्लान है चिटकुल पहुँचने का, आज पॉसिबिलिटी रही तो चिटकुल ज़रूर जाएंगे। ये नारकंडा के पीछे मैं रुका हुआ था आज होटल में, और ये मंदिर नारकंडा का, और ये नारकंडा का बस स्टैंड इस साइड। ये रोहित जो कि अभी बस में जाएगा। बाय बाय। तो रामपुर 66। सात बजे मैं निकल गया था नारकंडा से, और अभी टाइम हो रहा 8:27, 8:30 बजे के आसपास। और यहाँ से रामपुर अभी रहता है 40 किलोमीटर। नारकंडा से लेके अभी तक मेरी बाइक बिल्कुल बंद चल रही है, अभी तक मेरे को इसको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। देखते हैं कहाँ तक और ऐसे ही जाती है। तकरीबन काफ़ी लंबा सफ़र है जो कि बंद में निकल जाएगा, पेट्रोल बच जाएगा। अभी मैं सेंज पहुँचने वाला हूँ जो कि 4 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से। मेरी बाइक में ना पिछले ब्रेक नहीं लग रहे, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जाके एक बार चेक कराते हैं, दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ऑयल तो फुल है, ऑयल की तो कमी नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों प्रेशर नहीं बन रहा है इसका, पिछले ब्रेक का। मेरे को लगा कि शायद वैसे हो गया होगा, थोड़ी दूर चल के हो जाएगा, लेकिन पीछे तकरीबन ये लगा लो मैं 15 से 20 किलोमीटर तक ऐसे ही लेके आया हूँ कि शायद बन जाए, प्रेशर बन जाए, लेकिन बना नहीं। अभी चेंज आने वाला है तो कोई दुकान देख के पहले इसका प्रेशर ठीक करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले ब्रेक के बगैर काम नहीं चलता। जितने भी मोड़ होते हैं या फिर कुछ भी होता है, तो उसके लिए पिछले ब्रेक तब आगे ही मुड़ती है बाइक, जो कि अभी मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मोड़ने में। पहले इसको एक बार ठीक कराते हैं, फिर आगे निकलेंगे। तब तक रोहित से बात हुई थी अभी फ़ोन पर, उनकी बस रुकी हुई है पीछे, उसको भी आने में तकरीबन लगेंगे 15 से 20 मिनट, और शायद 15 से 20 मिनट में मेरी बाइक का भी काम कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आगे निकल जाएंगे। तब तक उनका वेट भी करना ही है, तो क्यों ना ब्रेक ठीक करा लिए जाए तब तक, फिर निकलेंगे आगे। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आती है, फिर रुकती नहीं जल्दी से, इसलिए ब्रेक ठीक करवानी ज़रूरी है। अभी मैंने बाइक ये रास्ता जा रहा है मंडी को, इस साइड से मंडी मनाली की तरफ। अभी मैंने बाइक को रोक के चेक किया है, तो मेरे को लग रहा है डिस्क पैड ही ख़त्म हो गया है, जो भी ख़त्म नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि मैंने उत्तरकाशी से चेंज कराए थे, सर्विस कराई थी उत्तरकाशी में, वहीं से मैंने चेंज कराए थे डिस्क पैड, और इतनी जल्दी ख़त्म हो गए, बहुत गलत बात है। अब बाइक की दुकान कहाँ पर होगी, अभी बाइक की दुकान देखनी पड़ेगी मेरे को। इतनी जल्दी डिस्क पैड पता नहीं ख़त्म कैसे हो गई, या तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं, इतनी जल्दी तो नहीं ख़त्म होने चाहिए थे जितनी जल्दी ख़त्म हो गए हैं। सो सैड। चलो जो भी है, अभी डिस्क पैड चेंज कराने पड़ेंगे मेरे को। पिछले 1 घंटे से मैं दुकान ढूंढ रहा हूँ कि कोई दुकान मिले और मैं अपने ब्रेक ठीक करा लूँ, लेकिन मॉर्निंग की वजह से अभी तक कोई दुकान खुली नहीं मिली मेरे को। टाइम हो गया है 9:25, 9:30 बज गए हैं। 8:30 बजे से मैंने सर्च करना स्टार्ट किया था कि दुकान मिल जाए तो मैं ब्रेक ठीक करा लूँ, लेकिन अभी तक कोई दुकान
मिली ही नहीं है मेरे को। और रामपुर यहाँ से रह गया तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर, तो मेरे को लगता है अब तो रामपुर में जाके ही दुकान मिलेगी और वहीं पे जाके ब्रेक ठीक होंगे। अभी पीछे रामपुर में या फिर रामपुर से निकल के जय मानसा स्टोर था कोई, जो कि बाइक रिपेयर कर रहा था, वहाँ पे डिस्क पैड चलाए पर उनसे प्रेशर फिर नहीं बना। वो कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई है, वो प्रॉब्लम हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। मैं, तुम रहने ही दो, डिस्क पैड डाल दो और मेरी बाइक दे दो, मैं अपने आप मैनेज कर लूँगा। अभी रामपुर से बाहर निकल के इसको मैं थोड़ा सा, जब खाली एरिया आ जाएगा, मैं एक बार दोबारा ट्राई करूँगा कि इसका प्रेशर खुद बना लेना। पता नहीं कैसे बंदे रखे हुए हैं, अगर नहीं काम आता तो फिर इसको छोड़ दो, रहने दो, काम ना करो। और मेरे को, मैं 100% श्योर हूँ कि मैं इसका प्रेशर बाहर निकल के बना लूँगा, खुद बना लूँगा। वो तो मिस्त्री हो गए नहीं बना रहे, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि मैं बाहर निकल के इसका प्रेशर खुद बना लूँगा। डिस्क पैड नहीं थे, अगर डिस्क पैड होते तो मैं उनसे चेंज भी ना करवाता, मैं खुद ही चेंज कर लेता। अभी एक बार बाहर निकलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। अभी मैं रामपुर से 5 या 6 किलोमीटर आगे आया हूँ और हल्का हल्का प्रेशर बनने लग गया है। ये देखो थोड़ा थोड़ा रुक रही है और आगे चल के ये हो गए पूरा प्रॉपर ठीक जाएगा। चलते हैं, शायद 10-15 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर के बाद प्रेशर अच्छा खासा बन जाए। वैसे ही बेफालतू में बोल रहे थे कि 600 रुपये लगेंगे, 700 रुपये लगेंगे, इसका पंप चेंज होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ भी नहीं होगा। वैसे ही बेफालतू में लूटने में लगे हुए थे। अभी ठीक है, बन रहा प्रेशर अच्छा खासा, अभी निकल जाएंगे आगे आहिस्ता आहिस्ता। निकाल ले सर, रोड यहाँ पे बन रहा है। रोड बनने के कारण पहले एक साइड के व्हीकल निकल रहे हैं, फिर दूसरी साइड के निकल रहे हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता निकाल के ले जाएंगे। बाइक का ये बड़ा फायदा है, थोड़ी सी जगह में से निकल जाती है। सांगला, सांगला क्रॉस करके मैं आ गया हूँ और ये यहाँ का व्यू मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। हवा चल रही है इसलिए मेरा ड्रोन उड़ाते हुए थोड़ा सा मन घबरा रहा है, इसलिए मैं ड्रोन नहीं उड़ा रहा हूँ। और वो आप ऊपर देख सकते हो, अगर बदल नहीं होंगे तो ऊपर वाला पूरा बर्फ आ रखी है वहाँ पे। मौसम अभी भी ख़राब है। चिटकुल्स के सामने वाले पहाड़ पे मेरे को उम्मीद है बर्फ मिलेगी। मैं पीछे मैंने वीडियो बनाई नहीं, कैमरा मैंने चोरा में उतारा था जहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी, एंट्री करा के मैं आगे निकला। उसके बाद मैंने इसको पहना ही नहीं क्योंकि पीछे किसी ने बोला था कि ज्योरी से आगे रास्ता ब्लॉक है। 2 दिन पहले टूरिस्ट आए थे, वो वापस मुड़ के गए हैं क्योंकि रास्ता बंद था। इसलिए मैं क्या, कहीं कुछ हो ना जाए, दोबारा पत्थर वगैरह गिर जाए, पहाड़ गिर जाए, रास्ता ब्लॉक हो, उससे पहले मैं निकल जाऊँ, इसलिए मैं पहले ही निकल गया। अभी चलते हैं चिटकुल।
बिल्कुल यहाँ से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर बचा होगा आई थिंक। और मेरे को दिखा ये गांव, क्या लोकेशन पे गांव है, नीचे से बह रही है नदी, बसपा नदी, और गांव गांव पूरा जंगल के बीच में बसा हुआ, हर घरों के बीच में पेड़ ही पेड़ है। क्या ब्यूटी है, क्या नज़ारे हैं। ये सामने आ गया चिटकुल का बोर्ड, और वो सामने चिटकुल विलेज, चिटकुल एल्टीट्यूड 11,320 फीट। चिटकुल इंडिया लास्ट विलेज,